पिछले दिनों से मैं काफी परेशान हूँ एक ऐड को देखकर, वो है टेलीब्रांड का ऐड। वो इंग्लिश लोगों पर हिंदी की जो डबिंग होती है, बॉडी को पतले से दुबला किया जाए, गंजे के सर पे बाल लाया जाए, गोरे को काला किया जाए, काले गोरा किया जाए, कुछ लोग जिम कर रहे हैं और बीच में हेलो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कितने लोग यहाँ पे तरक्की कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट से कितना फायदा हो रहा है। मैं आप लोगों को मिलाना चाहती हूँ हवाई जहाज में उड़ने वाले पायलट मिस्टर मार्टिन से। मार्टिन आपका स्वागत है मारियाना, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। किस तरह से तुमने ये अपने आप को शेप में लाया? वेल, मुझे नहीं लगता था कि शायद होगा, अब मुझे काफी फायदा हो रहा है। इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मैं हवा में उड़ने लगा, काफी फायदा हो रहा है मुझे। वेल, मैं नहीं जानता था कि ऐसी कोई दवा हो सकी, ये अद्भुत है, काफी फायदा हुआ है मुझे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई असरदार चीज हो सकती है। वेल, ये हवा में जब उड़ता हूँ तो काफी फायदा हो। तुम हवा में उड़ते क्यों हो? क्योंकि मैं पायलट हूँ, मुझे काफी फायदा होता है। और ये भी है कि इसमें काफी सारी दवाएं और भी आई है, जैसे कि याददाश्त की दवा। इसको पीने से आदमी की याददाश्त बहुत शार्प हो जाती है। मुझे 20-20 साल पुराने आज भी किससे याद आ गए हैं इस दवा की वजह से। तो फिर मार्टिन, शायद आपको ये भी याद आया होगा कि पिछले साल मैं आपको 1000 रुपए उधार दिए थे, फिर चली गई मेरी याददाश्त। वो मोटे को दुबला किया जाए, दुबले को मोटा, उसके लिए मैं काफी परेशान हो गया था। मुझे नहीं लगता था कि कभी मैं दुबला हो पाऊंगा, मैं बहुत मोटा हो गया था। मेरी बीवी शादी से पहले मुझसे कहा करती थी कि आओ स्वामी, बाद में मुझे कहने लगी आओ अदनान स्वामी। नहीं नहीं नहीं, मेरा इलाज हो रहा मुश्किल था, मैं काफी प्रॉब्लम में आ गया था। मेरा कुछ नहीं हो सकता था, मैं काफी मोटा हो गया था। ऑटो वाले मुझे ऑटो में बिठाने से इनकार करते थे, कहते थे कि आप तो ट्रक की सवारी है। डॉक्टर ने कहा कि 10 किमी काटा करो, तुम किमी काट करके दुबले हो जाओगे। थैंक्स टेलीब्रांड, मुझे काफी फायदा हुआ, मैं बहुत दुबला हो गया हूं। अब मेरे सामने मेरे बीवी से लोग पूछते हैं कि भाभी वो सांड कहाँ गया, मर गया क्या? गाने बने जावेद अख्तर साहब, हमारे आनंद बख्शी साहब, सारे गाने औरतों की तारीफ पे लिखे। अब देखिए जितने गाने औरतों के लिए, आप हंसती है तो मोती झड़ते हैं। तो खाने के वादे क्यों तेरे घर पे? ये मर्दों के लिए खाली एक ही गाना बना था उनकी तारीफ में, गोली मार भेजे में। इस गाने को सहगल साहब अपने अंदाज में गाते थे, कैसे गाते थे कि गोली मार भेजे में, गौर कीजिएगा, 40 साल पहले। गोली मार भेजे में, गोली मार भेजे में, भेजा शोर करे हाय मामा, हाय हाय रे हाय कल्लू मामा, हाय मामा, हाय मामा। एक बड़े अच्छे संगीतकार थे, बड़े अच्छे संगीतकार, हमेशा नाव पे गाते थे। और माँ जी और बहन जी, और माँ जी हमें नाव पे गाते थे। अगर सचिन देव बर्मन साहब, आर डी बर्मन साहब के पिताजी, अगर ये गाना गाते नाव पे बैठ के गोली मार भेजे में, तो कैसे गाते देखिए। अरे मेरे कल रे, अरे मेरे कल्लू रे, अरे मेरे मामा, अरे मेरे कल्लू रे, गोली मार भेजे मैं तू भेजा शोर करता है, वो गोली मार भेजा शोर करता, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कभी कभी हम लोग देखते हैं साउथ की फिल्में हिंदी में डब होकर आती है, उनकी डबिंग देखिए आप। दीवार का सीन याद कीजिए, दो भाई बात कर रहे हैं आपस में, अब ये पहले तो तमिल में आएगी और फिर इसकी हिंदी में डबिंग होगी,
तो वो कैसे होगा? पहले तमिल में देखे दोनों भाई आ रहे हैं, शशि कपूर अमिताभ बच्चन, उनके शशि कपूर अमिताभ बच्चन। और दूसरा जो उसका भाई अमिताभ बच्चन हो, लुंगी पे खड़ा है, ए पिल्ला वेड़े को जिस तरह ले, वो बोलेगा यस अन्ना நீ போலீஸ் பாயில் வந்துருக்கலே, எப்படி ஜெஸ்டர் சபலி மால் வருகளே, நின்ன ஸ்மகலர் வந்த அண்ணா சைன் வந்துருக்கலே, ஏன் ஜெஸ்டர் படகுலே படகுல வருகளே திறக்கலே சைன் வருகளே, நின்ன பாலத்துல பில்லா சைன் வந்துருக்கலே, மாத்ருமே ஜெஸ்டர் கொடுலே, தர்த்திமா மாத்ருமே என்ன பண்ணல, நின்ன அம்மா இட பிறந்த பில்லா, ஆ அம்மா அம்மா அம்மா। अब ये फिल्म जब हिंदी में डब हो जाती है, वो आ गया भाई क्या बात है, आज तो कुछ काफी परेशान लग रहा है ये। हाँ ना, मुझे पुलिस की फाइल में मिला है आपका नाम, उस पे साइन कराओ। नहीं, तू क्या मुझे साइन करवाएगा रे, जब ये न्यायमूर्ति अपने न्याय से बदल गया, मां मेरी मर गई, अब तू क्या साइन करवाएगा रे, हे अन्ना साइन करना पड़ेगा, निन्ने पाड़ पत्र ले अपना, हे ये हिंदी पिक्चर है। इनके जोश से बचकर कहाँ जाओगे, क्या जोश है। आइए शराबियों के बारे में बात करते हैं, शराबियों के बारे में है ना, छोटे मोटे शराबियों के बारे में बात कर रहा हूँ, आप लोग तो खैर आप देखिए शराबी को क्या कैसा पहला पैक पीते ही एक पैक और उसके बाद वो कार्टून नेटवर्क बन जाते हैं। क्या देख रहा है बे? चल। चल रहा, चलते 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 घर पे पहुंचा तो इसकी बीवी देखा कितना पी के आते हैं आप, रोज पी के आते हैं, रोज नाटक करते हैं, आज मैं भी आपके साथ आऊंगी, दारू पीऊंगी। पागल औरत, तू वहां बार में आएगी, बार गर्ल, वहां मेरी बड़ी इज्जत है, मेरी नाक करेगी। क्या बात कर रही है, बहुत हो गया आपका नाटक, मैं आपके साथ आऊंगी, दारू पीऊंगी। ओके चलो, कम ऑन फॉलो मी। बार में दो पैग, एक पैग पत्नी के लिए, उनके लिए। लो शुरू करो, शुरू करो। बीवी ने उठाया अपना पैग तो गड़गड़ पी गए, बीवी ने उठाया मुंह से लगा कितना कड़वा है, फिर तेरो क्या लगता है कि हम लोग मजे मारते। अरे कितनी तकलीफ होती है हमको मालूम है, ऐसे कड़वे दस बैग रोज पीता हूँ फिर भी जीतता हूँ। थैंक यू। अभी शराबी के बारे में आगे और बात करते हैं, आपको देखिए एक ऐसा पी के टाइट क्लासिकल प्रोग्राम देखने चला गया कोई, आपको पता है क्लासिकल प्रोग्राम में एक ही बात को कितनी बार दोहराया जाता है ना, जो पंडित जी होते हैं बेचारे वो एकदम बिस्तर लेके बैठ रहते हैं, सोए रहते हैं, ऑडियंस से कोई मतलब ही नहीं इनको, ऐसे प्रोग्राम में शराबी पी के टाइट सबसे आगे बैठ गया, सबसे आगे। शुरू करो भाई प्रोग्राम। आई लाइक क्लासिकल, या क्लासिकल एक अच्छी चीज होती है, मैं तो रोज सुबह सुबह प्रैक्टिस करता हूँ। कम ऑन स्टार्ट यार, पर्दा खुलो यार। पर्दा खुला, कोई महिला क्लासिकल गाना गा रही थी, वो शुरू हो गई और ये सबसे आगे बैठा, तुम तो पी के टाइट। तो महिला शुरू हो गई, पिया पिया पिया, और ये फिर शुरू हो गई, पिया पिया पिया।
पिया। इसको किसने बताया मैं पिया हूँ? इसको किसने बताया पिया? ये खड़ा हो गया, तेरे बाप का पिया। एक घंटे से पिया पिया पिया, मेरा पूरा दारू उतार दिया। अब इन शराबियों के बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे पास में है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे शराबी भाई से मिलाता हूँ जिनकी चाहत मैंने भी की है, आप सबने भी की है, रतन नूरा जी। इतना पी के आ गए एक दिन, सुनील कोई सवाल कर। बोला कौन सा सवाल करूं? जो तेरी औकात है। मैंने कहा औकात की बात मत कीजिए, अच्छा एक सवाल करना है आपसे। एक लड़की से मुझे प्यार हो गया है, उसको मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, तो क्या गिफ्ट दूं? लड़की दिखने में कैसी है? बहुत खूबसूरत है। उसको कुछ देना चाहता है? हाँ। मेरा नंबर दे। और कह रहा आप मत देना जो तुझे दिया था मैंने। रतन भाई ये बताइए, प्यार और मोहब्बत इसके बारे में कुछ जानते हैं? उसका महागुरु मैं ही हूँ प्यार और मोहब्बत का। तो बताइए प्यार और मोहब्बत में क्या फर्क है? प्यार वो है जो हम अपनी बहन से करते हैं, और मोहब्बत वो है जो तेरी बहन से करते हैं। मैं कह रतन भाई आप नॉनवेज खाते हैं? आई डोंट लाइक नॉनवेज। बोला क्या बात कर रहे हैं? शुद्ध शाकाहारी हूँ बे, शुद्ध शाकाहारी। बोला परसों तो देखा आप घर पे चिकन खा रहे थे, वो घर की मुर्गी है। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अच्छी बात है। रतन भाई से छुटकारा पाकर मैं एक शराबी भाई से मिलने चला गया। अब देखिए कुछ शराबी तो ऐसे होते हैं जो आपको एकदम डरा देते, पी के टाइट, आप उनको पहचानना नहीं चाहो तो फिर भी पीछे से आ जाएंगे। हाँ ठीक है, क्या ठीक है। बच्चे को देखिए, इंग्लिश बोलेंगे उससे बच्चे से। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? बाप गया अनपढ़ कहीं। अब ऐसा पार्टी में शराबी घूम गया, अब वो शराबी पार्टी में भलते को पहचान के कुछ भी बोल रहा है। शाहरुख खान को देखे बोलता है, सुपरस्टार सुपरस्टार, सर मैंने आपकी लगान देखी, बड़ा मजा आया। सर आप तारे जमीन में भी कमाल लगे, वरना कुछ हीरो आजकल आए हुए पता नहीं क्या क्या फिल्में करते हैं, दिल वाले दुनिया ले जाएंगे। करण अर्जुन बाजीगर, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, यू आर द सुपरस्टार। कौन है यार? आगे बढ़ गए, आगे देखा वहां पर ए आर रहमान साहब खड़े थे। अरे सर बहुत बड़े संगीतकार है आप, बहुत बड़े संगीतकार, क्या क्या गाने बजाए आपने, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, दिल है कि मानता नहीं, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, क्या बात है सर, यू आर द मेलोडी किंग। वरना कुछ संगीतकार तो ऐसे भी है, क्या गाना बनाते कुछ समझ में नहीं आता, ओ मितवा तुझको क्या डर रह रही है, कोई गाना है? छोटा सा छोटी सी आशा, आई डोंट लाइक दैट।